नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों यहाँ पर मेरे हाथ में आज है एक्स्ट्रा इनकम कार्ड, जो कि भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड है। यह एक एटीएम कार्ड की तरह ही है, एक डेबिट कार्ड है। इसकी मदद से आप कोई भी एटीएम मशीन से या फिर पीओएस के माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड लेते हैं तो वहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है, एनुअल चार्ज देना पड़ता है, साल में एक बार आपको उसका फी लगता है। लेकिन भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वह फ्री होता है। साथ ही आप कोई भी एटीएम मशीन से पैसा निकालेंगे तो आपको कोई भी अलग से चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि आप ये जो एक्स्ट्रा इनकम कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन से पैसा निकालेंगे या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे पीओएस के माध्यम से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपका जो भारत पे में अमाउंट रहेगा, भारत पे में जो आपने अमाउंट रखा हुआ है, वही अमाउंट आपका विड्रॉल होगा, वही अमाउंट आप निकाल पाएंगे। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले यानी कि हमने 7 जनवरी को अप्लाई किया था भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड। 7 जनवरी को हमने अप्लाई किया था और हमें यह 11 जनवरी को मिल गया है, यानी कि 4 दिन के अंदर ही मुझे यह एक्स्ट्रा इनकम कार्ड मिल चुका है, मेरे घर के पते पर आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करके देखेंगे किस तरह का ये कार्ड होता है, इसके एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को हम एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसका हम पिन कैसे बनाते हैं, आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आपको भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें आप लोगों कि पहले भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड इस तरह के बॉक्स में आता था, इस तरह से पैक होकर के आता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो भारत पे की तरफ से कार्ड भेजा जाता है, आपको अब इस तरह से पैक करके आता है, इस तरह से भेजा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड के पीछे में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखा रहता है, जो भी एड्रेस पर आपने अप्लाई किया था वह एड्रेस आपका यहाँ पर लिखा रहता है, साथ ही आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। मैंने यहाँ पर इस मोबाइल नंबर को और एड्रेस को हाइड कर दिया है, और यहाँ पर आपका बार कोड है, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है प्रीपेड, यानी कि ये कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी अलग से शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई भी चार्ज देना है इस कार्ड के लिए। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है, यदि आपको ये कार्ड नहीं मिलता है तो इस पते पर रिटर्न हो जाएगा। चलिए हम इस कार्ड को अब निकाल के देख लेते हैं किस तरह का कार्ड आपको दिया जाता है। और इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं, देख सकते हैं दोस्तों अब ये आ चुका है मेरे हाथ में, और यहाँ पर आपका QR कोड है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ पॉकेट के ऊपर में ही 24x7 सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल जाता है 24 घंटे 7 दिन, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे सपोर्ट का एड्रेस भी दिया गया है। चलिए हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं, बॉक्स में से देख लेते हैं किस तरह का कार्ड आपको दिया जाता है। दोस्तों इस बॉक्स में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ आपको मिलता है। एक तो पहले आपको ये कागज़ मिला है, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि आप किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का, भारत पे ऊपर में लिखा हुआ है, और यहाँ पर एंड गेट 100 कैशबैक, 100 रुपये का कैशबैक भी आपको मिलता है यदि आप एक्टिवेट इसको कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट का प्रोसेस बताया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि यूज स्वाइप बैलेंस और इंटरेस्ट अकाउंट एट 0% चार्ज, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है स्वाइप करने पर, या फिर आप बैलेंस करते हैं निकालते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा यहाँ पर अर्न वैलिडिटी रन, आप यहाँ पर यदि कार्ड को यूज करते हैं एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को, जो कि एक एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसको आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर रन भी दिया जाता है, और उस रन को आप रन से आप मोबाइल रिचार्ज हो या फिर और जितने भी इसके भारत पे के मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कार्ड से डिस्काउंट और ऑफर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑफर, यहाँ पर बताया गया कि आप किस तरह से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप 1 में बताया गया है। इसके अलावा स्टेप 2 में यहाँ पर बताया किस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे कार्ड को। यहाँ पे स्टेप 3 है और यहाँ पर स्टेप 4 और स्टेप 5। तो 5 स्टेप में ये पूरा होगा, आपका एक्टिवेट कार्ड होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कार्ड को एक्टिवेट करके भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप भारत पे का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, अपना पिन बनाएंगे। चलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद इस एक्स्ट्रा इनकम कार्ड के साथ आपको ये पाउच भी मिलता है आपको कार्ड रखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पाउच है और इसमें आप सुरक्षित रख सकते हैं। और पीछे में आपको 24x7 सपोर्ट है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक यूज वनली। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है फॉर यूज इन इंडिया वनली, यानी कि आप सिर्फ भारत के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं, भारत के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते इस कार्ड के माध्यम से। चलिए इस पॉच को हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको इस तरह का एक्स्ट्रा इनकम कार्ड आपको मिलेगा यदि आप अप्लाई करते हैं। जैसा कि बताया गया था अप्लाई करने के समय में कि आपको नीचे में नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे नाम आपका लिखा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पे भारत पे मर्चेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर हो गया और इस कार्ड नंबर से आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नीचे में आपका वैलिड कब तक है ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये मास्टर कार्ड का लोगो बना हुआ है, यानी कि ये मास्टर कार्ड है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम कार्ड और ये चिप लगा हुआ है, यानी कि चिप लेवल कार्ड है। और यहाँ पर NFC का भी सपोर्ट है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्टलेस भी पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा भारत पे का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। इसके अलावा पीछे में आपका QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन करके इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका CVV नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये QR कोड है, इसी को आपको स्कैन करना रहता है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है SBM बैंक, यानी कि आपको ये SBM बैंक की तरफ से जारी किया जाता है। पहले ये HDFC बैंक की तरफ से जारी किया जाता था, अब यहाँ पर लेकिन ये SBM बैंक की तरफ से जारी किया जाता है। तो आप ये जो CV नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस CV नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कार्ड आपको भारत पे की तरफ से दिया जाता है। इस कार्ड को हम एक्टिवेट करके आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको एक्टिवेट करेंगे, अपना पिन बनाएंगे। चलिए हम इसका पिन बना के आपको बताते हैं और इसको एक्टिवेट करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत पे का ATM कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको भारत पे के ऐप में लॉगिन करना है। ऐप यहाँ पे ओपन कर लिया हमने, यहाँ पे ऐप को आप ओपन कर लेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको लोन के बगल में एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ पर लोन के बगल में एक्स्ट्रा इनकम आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक्स्ट्रा इनकम कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए कि एक्स्ट्रा इनकम कार्ड नोट एक्टिव लिखा हुआ है। इसके ऊपर में आपको यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस आपको लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से नहीं रहता है। हमने इस कार्ड को अप्लाई किया था 7 जनवरी को यहाँ पर और मेरे पास ये 11 जनवरी को मिल चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव पे आप क्लिक कर लें। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं ऑलरेडी रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कितना स्टेप में ये पूरा होगा, आपका कार्ड एक्टिव होगा। यहाँ पे पहला स्टेप 1, फिर स्टेप 2 है यहाँ पर, इसके बाद स्टेप 3 में और स्टेप 4 और स्टेप 5। तो 5 स्टेप में ये पूरा होगा। चलिए हम इसको एक्टिव करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड लिखा, आप एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कर लीजिए एक्टिवेट कार्ड पर। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके ATM कार्ड भारत पे के एक्स्ट्रा इनकम कार्ड के पीछे में जो QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्कैन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और इसको इस तरह से स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर टैप टू स्कैन लिखा, आप टैप टू स्कैन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं आप, इसको स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्कैन हो चुका है, नाम आ चुका है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना KYC करना होगा। KYC आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर KYC करने के लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर है सेल्फी, तो आप अपना सेल्फी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, आप कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके अपना सेल्फी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर पैन कार्ड है, तो आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ पे फ्रंट साइड यानी कि पैन कार्ड का सामने वाला फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ में देख सकते हैं आप
यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। पहला तो आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। आधार कार्ड का यहाँ पे फ्रंट साइड अपलोड करना होगा और यहाँ पर बैक साइड है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड का पीछे वाला फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आगे और पीछे दोनों का अपलोड करना होगा आधार कार्ड का। इसके अलावा आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं आप यहाँ पर, तो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से भी आप इसको आप केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करेंगे ऐड पे क्लिक करके। इसी तरह से आप यहाँ पर बैक साइड को ऐड पे क्लिक करके बैक साइड को यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे पासपोर्ट को भी आप केवाईसी में दे सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड देना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आधार कार्ड का अपलोड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपलोड कर दिया है सेल्फी। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड कर दिया है फ्रंट साइड। इसके अलावा आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया है और यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड भी, यानी कि आधार कार्ड का आगे का और पीछे का दोनों अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन दिख रहा है आपको, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। हो सकता है कि आपको इंटरनेट के कारण थोड़ा समय लग सकता है, आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया कन्फर्म करने के लिए कार्ड नंबर को, यानी कि आपको यहाँ पर अपना कार्ड का लास्ट चार अक्षर यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का लास्ट चार अक्षर यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना कार्ड का लास्ट चार अक्षर फिलअप कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको चार डिजिट का पिन बनाने के लिए आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको चार डिजिट का, और आपको यहाँ पर मोबाइल पर SMS भी आ जाएगा, मोबाइल पर यहाँ पर OTP भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको चार डिजिट का पिन बना लेना है और नीचे भी आपको रीसेट पिन कर लेना है। चार डिजिट का पिन जो आप ऊपर में टाइप करेंगे नीचे भी आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर जो OTP आया है आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अपना चार डिजिट का पिन बना लिया है, नीचे भी आपको कंफर्म कर लेना है पिन, और यहाँ पर आपके पास जो OTP आया था यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम कार्ड एक्टिवेटेड लिखा गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं और अपना पिन बना सकते हैं। अब आपने जो पिन बनाया है इस पिन से आप कहीं भी इस एक्स्ट्रा इनकम कार्ड से कहीं भी ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी POS के मशीन के POS के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।